भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भाई लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का एक टेक्निकल पॉइंट की हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज दोस्तों मेरे पास है सौरव जोशी की थार। जी हाँ, किसी को बताना मत, सौरव जोशी की थार है। और ये मैंने यहाँ पर जिमी के पापा से ख़रीदी थी और नंबर प्लेट भी चेंज करा दी और जो इसका कलर है वो भी चेंज करा दिया, वाइट कलर का करा दिया ताकि इस थार को कोई भी यहाँ पर पहचान ना पाए। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है दोस्तों। ये वाली थार तो वो दूसरी है और जो शोरूम पर आई है वो नॉर्मल है, ये है सौरव जोशी वाली। और एक मज़ेदार बात आपको यहाँ पर बतानी थी, आज नताशा जी आने वाली है, फाइनली दुबई से आ रही हैं वो। और आज तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर। अभी मैं एयरपोर्ट पर उन्हें लेने जा रहा हूँ। जिमी का यार रात से फ़ोन आ रहा था, चाट रहा है मुझे, कह रहा है जब नताशा जी आएंगी मुझे भी लेकर चलना, मुझे भी। मेरा मन तो नहीं है क्योंकि ना वो नताशा के सामने बहुत बोल लेगा और फिर मैं नहीं चाहता यार नताशा के सामने कोई ज़्यादा अपना इम्प्रेशन जमाए। पर दोस्त है यार, वरना फिर बताऊँ बाद में क्या बोल लेगा। मैंने तो रात से इसको कह के सोया था और फिर ये मुझे फिर भी नहीं लेकर गया। ऐसा ना तो उसको थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत ख़राब हो जाती है। अभी मैं बोलूँगा ना, बहाना नहीं मारेगा कुछ भी, के कोई बंदा तो ऐसा होता है दोस्तों कि बहाना मार दे यार मेरा मन नहीं है, वो कुछ नहीं एकदम तैयार। हाँ अंकल जी कैसे हो आप, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आ जाओ आप, बस एकदम ऐसे बोलेगा। इसीलिए तो बस थोड़ा सा ना चीप है यार जिमी जो है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखो मैं कॉल करके देखता हूँ इस बार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऐसा ही है जो जिमी जो है। हेलो हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? हाँ जिमी, क्या कर रहा? मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था अंकल जी। मेरे फोन का क्यों इंतजार भाई, मैंने कौन सा क्या कहा था मैंने तुझे? आपने कहा था ना कल नताशा जी आएंगी तो एयरपोर्ट पे लेने चलेंगे उनको। यार आज तो नहीं आ रही वो। ओ जिमी, तुम तो कह रहे थे आ रही है, प्लान कैंसिल हो गया यार उसका। अब बता क्या करूं मैं? अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ यार। क्यों? तो एकदम ना धो के बैठा था, आराम से कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे मैंने। अच्छा मगर अंकल जी का फोन आने वाला है। हाँ। तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था बस। अच्छा तो मतलब नताशा से मिलने के लिए इतना तू उत्सुक क्यों है मेरे भाई? नहीं नहीं वो ऐसे ही मिलना चाहता था तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। छोड़ ना, छोड़ा ही है। नहीं नहीं दिक्कत की कोई बात नहीं है, वो मैं बस ये कह रहा था आज नहीं आएगी वो। तो असल में वो आएगी, रात को आएगी, उसकी फ्लाइट रात की है तो सुबह कल मिल लेना। ओ यार ये तो बहुत बुरा हुआ यार। क्यों? मैं तैयार बैठा था ना इसीलिए। अच्छा तो तू तैयार बैठा है तो इसमें मेरा क्या फायदा है जिमी? नहीं वो पता है क्या, मैं वरना रात दिन में सोता हूँ 2 बजे तक, आज मैं सुबह 10 बजे रेडी हो गया एकदम तैयार नहीं यार। अच्छा जी चल कोई बात नहीं, क्या हो फिर क्या करना है? मैं चलो फिर आ जाओ, तुम घर पे आ जाओ, घूमने चलते हैं इधर उधर, रेडी मारने चलेंगे। ठीक है अच्छा, फिर भी अब भी घर पे बुलाया भूसा लेके आ जाना अपनी। चलो मैं आया भूसा पे मिलता हूँ आपको। कहाँ पर? घर के बाहर ही मिलता हूँ। ठीक है हायाबुसा पे चलेगा तू? हाँ मैं हायाबुसा पे रहूँगा अकेला, तुम अपनी किसी भी गड्डी वड्डी कोई भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चल, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। ठीक है चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है अपने घर के बाहर ही मिल मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर जिमी कितना ज़्यादा तेज़ है और मतलब इसको ना आई मीन इससे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ना शक कर लेता है एकदम। अभी मैं इसके घर के बाहर तो पहुंच गया हूँ, हो रहा देखो सामने इसका घर। अभी ना एकदम पूछेगा इतनी जल्दी कैसे आ गए अंकल आप, ये वो। अभी आए नहीं है बाहर, अभी आएगा। मैं ना यहाँ पर गाड़ी लगा कर खड़ा हो जाता हूँ, यहीं पर लगा देता हूँ गाड़ी अपनी थार है। अभी दे आने दो भी इसको। ओ भाई क्या हो गया, निकाल लो चलो। एक तो लोग बाग भी ना पता नहीं कैसे कैसे यार यहाँ पर। चलो क्या तू तो यामाहा की R1 पर आया है भाई साहब, ये कब ले ली? यही मिल गई खड़ी, ये हमने अभी काफी दिन पहले ली थी, मेरे पापा ने ली थी। ये तो रोशनी मिसबा के पास भी है ब्लू कलर में भाई साहब। अच्छा मेरी रेड कलर की, रेड रोज। ओ भाई साहब हर चीज ही रेड रखता है, लग रही है ना मेरी फेवरेट है ना रेड कलर। दोस्तों मुझे पता है, इसे पता चल गया, इसीलिए रौब जमाने को ना ये वाली गाड़ी लाया, मुझे सब पता है। चला जिमी वो नताशा जी का कॉल आया है, वो आज ही आ रही हैं, अभी उनकी फ्लाइट आने वाली है, पहले उनको ले लेते हैं एयरपोर्ट से, अभी कॉल आया है उनका। अच्छा
हाँ ठीक है, फिर मेरी गड्डी में बिठा देना बस उनको आज, ठीक है। अच्छा थार किस लिए लेके जा रहा हूँ मैं फिर, मैं समझ गया। वे, वो इतनी खूबसूरत लड़की है, गाड़ी पे मेरी जमेगी वो। अच्छा देख रहे हैं, आर वन लेके आया हूँ मैं इसीलिए। रेड कलर की आर1 लाया दोस्तों, फालतू में इंप्रेशन जमाता रहता है, खून जलता है मेरा उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा। अभी आ नहीं, नहीं देख रहे हो रेड कलर की, ओए क्या बोल रहे तुम, कुछ बोल देगा? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा जिमी पुत्र, मैं कह रहा आराम आराम से चल। हाँ मैं तो आराम आराम से ही आ रहा हूँ, तुम देखो अपना। मैं भी आराम आराम से चल रहा हूँ, मैं तो आर1 पे हूँ अपनी। हाँ हाँ मैं भी आराम से चल रहा हूँ जिमी, चल एयरपोर्ट तक चल ना। व्हाइट कलर की लिया है इसको आज। अरे व्हाइट बढ़िया लग रही है, शोरूम पे खरीदी वही लिया था रेड कलर। अबे ये सौरभ जोशी वाली हो जो तेरे पापा से खरीदी थी मैंने, व्हाइट कलर वाली जी, व्हाइट कलर कराया था जिसे, समझ गया, चोरी वाली। अच्छा, कोई बात नहीं। अबे हेलमेट तो लगा लिया अगर जिमी, कम से कम तू। नहीं नहीं यार मैं ना पता है मेरा है ना, मैं है ना टोप पर लगा के चलता हूँ, तुम्हें पता ही है सर्दी हो रही है आजकल। भाई बस तो जिमी तेरे से भी भाई हाथ ही जोड़े जिमी, तेरे बस की बात भी जिमी वैसा कुछ नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं यार, वो मैं कह रहा था कि आप है ना नताशा जी को मेरी बाइक पे बिठा देना है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा क्या बेटे तू, बाप भी तेरी वो? नहीं मैं कह रहा था कोई बात नहीं, मेरी बाप जी को बिठा देना तुम। ज्यादा ही बोल रहा जिमी तू। नहीं नहीं मैं कह तो रहा था तुम्हें यार। क्या कह रहा था? मैं कहता बाइक पे ज्यादा कंफर्टेबल बैठेंगे वे। अच्छा यार मैं ना कभी उनको उल्टी वगैरह हो जाए इसलिए बोल रहा था ना। हाँ हम तो बहुत पहाड़ी इलाके में घूम रहे हैं ना। नहीं ऐसे ये अभी बेचारी सफर करके आ रही है। क्या है बस बस सफर करके आ रही है बस। हाँ ये क्या हो गया जिमी? हाँ ये क्या हो गया जिमी? बस धुएं निकल गए आर1 में से, तो तुम्हारी गलती थी वो यार, रेडिएटर ग्रिल टूट गई। मेरी बाइक तुम्हारी गलती थी वो। ये क्या हो गया बाइक के इंजन में? सही है वो, सही है चलो तुम। भाई साहब जिमी कैसे गिरा दोस्तों, अच्छा हुआ साले के साथ। जिमी गिराया तुमने, गिराया सभी? नहीं नहीं मैंने नहीं गिराया। तुम्हारी हरकतें सभी मुझे पता है, तुम मेरा मंदिर से जलते हो मुझे लगने लग गया। ओ जिमी धुआं क्यों निकल रहा आर1 में से? ये है ना तुमने तो चलाई नहीं कभी। हाँ सुपर बाइक बता ना। हाँ तो क्या हो रहा है, चलाई है सुपर बाइक कभी? चलाई है? हाँ चलाई है। देख लो बता ये जिमी धुआं क्यों निकल रहा है बेटा, मुझे पहले ही बता तू। नहीं वो है ना सुपर बाइक में ऐसा जब गर्म हो जाती है ना। हाँ तो ऐसे ही निकलती है। अच्छा लेकिन तुम गरीब लोग। हाँ तुम्हें क्या पता? अच्छा हम गरीब लोग हैं। भाई साहब चला रहे हो ये धुआं, धुआं बहुत निकल रहा जी तेरी बाइक में से। भाई वो गर्म हो गई है ना। हाँ तो ठंडी करना इसे, अब इसका रेडिएटर ग्रिल फट गई है इसकी, ओवर हीट हो गई तेरी मोटरसाइकिल बावले। बस 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 तो मैंने एक्टिंग दिखा रहे बहुत ज्यादा पुत्री लग रहा। ये तो बात गलत होगी ना यार, तुम ना देख रहे हो। आजा आजा भाग बस यार। ओ तेरी बस यार हो गया मजा, अब आया मुझे मजा, अब आया है मजा असली मजा। मेरी तो इंश्योरेंस वावा मुझे तो फिर मिल गई। अच्छा मेरी बात तो सुन, अच्छा मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन जरा, घर से यार वो घर से फोन करके कोई गाड़ी मंगा दे यार नताशा के लिए, तो मजाक मजाक में कांड हो गया हैं। सीरियसली नताशा जी आ रही हैं। एक मैं हायाबुसा मंगा लेता हूँ अपने लिए और एक तुम्हारे लिए, चलो कोई बात नहीं करता हूं। हाँ मंगा ले यार जरा, थोड़ा मामला है समझ गया। ठीक है ठीक है। हाँ यार दोस्तों थोड़ा सा गलत सीन हो गया, मैं थोड़े ज्यादा ही मजे ले रहा था जिमी से और आर1 का टैंक फट गया और उससे जो है, यानी ये तो यही बात होगी किसी को सताना अच्छी बात नहीं है कि नहीं। हाँ बाकी फायर ब्रिगेड वाले आ गए, फायर ब्रिगेड वाले आ गए, सबसे पहले उसे ही देखेंगे क्योंकि महंगी चीज है ना वो। हाँ बुझा भी दी, बुझा भी दी एक मिनट में भाई, और ये भी बुझा दी, ये भी बुझा दी, बाकी आर1 की हालत देख लो। हाँ मेरा तो इंश्योरेंस है, मुझे तो नहीं मिल जाएगी कोई दिक्कत, नहीं मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, हमारे घर पे आ जाएगी। चल सही है भाई,
बाकी मेरी वाली का दोस्तों इंश्योरेंस कुछ नहीं था, चोरी की थी, कोई बात नहीं, चलो चोरी का माल मोरी में, बहुत सही है जो बात है ना। और क्या बात है, वो तो हमारे भाई मेरे पापा ने बहुत अपनी वो बना रखी बात। जिमी ZX 10R ब्रो आज तक देखी है इसे मैंने, वो मॉडिफाइड वाली। चल चला के देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, लेकिन चलाना संभाल के ठीक है। एक्रोपॉविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम्हारी कुछ बन जाएगी बात। ये क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ मैं एक बार। भाई ये क्या कर रहे हो यार, अपनी गाड़ी में तुमने आग लगा दी। जिमी रेड कलर की ग्रीन पट्टी देख रहा है कैसे बनी हुई है पूरी बाइक पे, देख रहा है? भाई ये मेरे पापा की फेवरेट गाड़ी है, थोड़ा संभाल के चलाना। आजा, कहाँ गया तू? आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, चिंता मत कर। भाई कहीं भी नहीं यार, तो वहाँ को खड़ा देख रहे हो, दिख रहा है। चलो तूने पट्टी बनवा रखी अपने टायरों पे। भाई तुम चलो आगे, तुम पट्टी, गरीब लोग पट्टी बहुत देखते हैं यार। अच्छा हाँ, पता नहीं यार तुम्हारी क्या आदत है, पट्टी बनवा रखी है, करवा रखी है भाई, गाड़ी के मजे लो तुम। ऐसा ही क्या राजी भी तू, कुछ लोग होते हैं ऐसा, बहुत ध्यान देते हैं पट्टी पट्टी पे। पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं तुम लोग यार, पट्टी बनवा रखी है, कर रखी है भाई, मंगा के दे दी तुम्हारे लिए गड्डी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है, चलो भाई ठीक है, चलाओ मजे लो, ऐश करो, है कि नहीं? लेकिन तुम लोग पट्टी बनवा रखी है तुमने, लाल पट्टी है, हरी पट्टी है क्या? अबे कहाँ गया तू? आ रहा हूँ मैं, पीछे ही हूँ तुम्हारे, क्या कोई दिक्कत ना मानो तुम, देखो आ रहा हूँ। जिमी कहाँ गया दोस्तों? मैं कहाँ गया जिमी? मैं यही था तुम्हारे पीछे ही। अच्छा भाई साथ रहे। हाँ तो चलो चलो, तो यार कहाँ है? दिमाग खराब हो रहा है क्या जिमी तेरा? कहाँ रहेगी गर्लफ्रेंड तुम्हारी? अबे गर्लफ्रेंड तो आ जाएगी, गर्लफ्रेंड के लगते तू तो आ जा। भाई जी मैं तुम्हें बहुत बड़ा ड्रामेबाज है भाई। अच्छा चलो चलो चलो, चलो बस चलो, अब किधर चलना? तू तेरे तेरे पे ध्यान रखूंगा मैं तो भाई। मेरे पे क्या ध्यान रखेगा भाई तू? पुलिस वाले जी मियां, एग्जॉस्ट हल्की आवाज कर ले। हां कोई दिक्कत नहीं, मेरे पापा को कॉल करा देना तू, वो बताओ। ये देखो ओम कुछ भी नहीं बोलेंगे, मेरे पापा यहाँ का सीएम है। ये क्या कर रहे हो तुम? अंकल जी मेरे पापा की गड्डी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यार, बाइक भी तुमने उधारी चला रहे हो और फिर एक्टिंग बड़ी मार रहे हो, वाह भाई वाह। कह रहे हो पट्टी बनवानी है, मैं तो आज पहली बार पता चला, कलवा तो जा, अभी फ्लाइट उतरी तो है नहीं इसके, आजा थोड़े से मजे लेते हैं बाइकों से। यार ये टायरों का नाश मत कर देना तुम अंकल जी, मैं पहले ही बता रहा, मेरे पापा बहुत मारेंगे तुम्हें। ओए क्या बोल लेगा तू? अरे इसको दी थी मैंने कलवे को भाई। ये क्या कर रहे हो तुम अंकल जी, क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी देख रहा, कुछ लोग वो देख रहे हैं उधर के खड़े हुए बंदे देख रहे हैं सब हमें हमारे को। यार पता है किसका टायर कितने का है? कितने का है? ZX 10R का $50,000 का है। बस तुम्हारी वो कट नहीं है टायर भी खरीदने की। हाँ वैसे सही कह रहा तू, तुम सिर्फ है ना पेंचर ही लगा सकते हो। येलो कलर की आया पूछा, कैसी लग रही फिर? बढ़िया लग रही है। नताशा को कौन सी पसंद आएगी? जिम्मी है, देख मैं कितनी दूर तक ये विली मार के ले जा सकता हूँ। यार ये बात तो गलत है ना, फिर बताओ है कि नहीं? मतलब क्यों भाई? गर्लफ्रेंड आई नहीं तुम्हारी? हाँ तो तुम बाइक की ऐसी तैसी फेर दोगे, मैंने तो मंगा के दी, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी इज्जत सी बन। और तू भी तो चला रहा है अपनी। भाई मैं तो चलाऊंगा ही, वो तो मेरी अपनी है, तुम कम से कम खड़ी कर दो इसको। पेट्रोल लग रहा क्या? ले यार पेट्रोल की क्या बात हो गई, ले चल खड़ी कर दी, ले ले अपनी बाइक। चलो फिर कब आ रही है तुम्हारी वो? हाँ आ रही है भाई, आ जाएगी, रुक जा, इतनी क्यों टेंशन ले रहा तू, ले खड़ी कर दी तेरी बाइक। बुरा मानिएगा, ज्यादा ही बन रहा तू बाइक ना बुई को, वैसे मेरे कपड़े मैच हो रहे। हाँ वो तो मैं इसीलिए तो मैंने मंगा के दी तुम्हें। अच्छा चलो थोड़े मजे से ले लेंगे अंकल जी, प्यारी बहुत है, 11 नंबर की।
भाई बहुत मजेदार। हाँ क्या अभी तो तुम देखकर बता रहे थे इसको, बढ़िया लग रही जो बात है। फ्लाइट आने वाली हायाबुसा दे ला, चल उस पे तो पीछे सीट है नहीं। यार हायाबुसा देते मुझे बिठानी पड़ेगी जिमी भाई उसे, तो मेरे पीछे बैठ गई, क्या दिक्कत हो गया यार। हाँ तो चल साइड हो चल। हाँ ये क्या गिरा दिया तुमने? बे क्या ओ तेरी गिरा दिया ओ जिमी, क्या हो गया कुछ क्या? अच्छा अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी जिमी, सॉरी 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 सॉरी, बस बस हाँ ठीक है, बस इतना भी ना कर, ज्यादा ही एक्टिंग दिखा रहा। नहीं तुम एक्टिंग तो तुम दिखा रहे भाई, हम थोड़े दिखा रहे। तो मार क्यों रहा था तू? तूने हाथ कैसे लगाया मुझे, हाथ कैसे लगाया तूने मुझे, हाथ कैसे लगाया तूने मुझे, बाइक के ऊपर हाथ में लगाएगा तू मुझे? बस इतना ही दमदम होते तेरे में। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं तो यार देखे हुए भी दोस्तों, जमाना गुजर गया था दोस्तों अपनी नताशा जी को, आई मीन करीबन ऐसे देख रहा हूँ 2-3 महीनों के बाद, ठीक है ना। और बाकी वहाँ देख लो जिमी अभी फ्लाइट के नीचे खड़ा। आइए आप बाइक पे बैठिए नताशा जी, आइए बैठाओ, किसी भी तरीके से करके बैठ जाओ, चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिमी कहाँ है? जिमी वो जिमी हाँ आ गई। कहाँ था तू भाई? मैं देख रहा था दूर से, इंतजार कर रहा था देख रहा। यार नताशा जी से देख पीछे बैठन जा रहा है, आप उसे दे ला। तो यार मेरी भाई उसे भी बिठा दो ना, तो यार तुम तो कह रहे थे येलो कलर की है, ये भी येलो कलर की ड्रेस पहन रही है, देख रहे हो आप जिमी के साथ बैठ जाओ, मैं चला लेता हूँ इसे, है ना, क्योंकि तुम्हारी ड्रेस भी मैच हो रही है और वो बच्चा ही है, छोटा ही है, ठीक है ना, वो छोड़ देगा। चलो मैं पीछे पीछे हूँ आपके, है ना, इसका बाइक ठीक है, ठीक है, तुम चिंता ना करो, आ जाओ तुम पीछा कर लो, आ जाओ पीछे पीछे हमारे। हैं मेरी बात सुन जिमी, मेरी बात तो सुन ले। देख भाभी है तेरी, आराम से चलाइए हैं भाई। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम चिंता ना करो, देख रहे हो हाँ। जोड़ी कैसी लग रही है अंकल जी? बढ़िया लग रही है, येलो कलर की, येलो कलर की नताशा जी। हाँ चुप नहीं हो रहा क्या? देख कहाँ को निकाल ला वो, बस बस गिरा दी मेरी नताशा जी को, प्यारी मेरी नताशा जी को, बस इतना ही दम था। ऐसे यहाँ पे ना ऑयल पड़ा था, यहाँ पे ऑयल पड़ा था, था। तो मेरी हाँ बस क्या कर दिया, उठा ना अभी से कबाड़ को, उठा रहा हूँ, तुम पता नहीं कितने पर हो आया भूसा, धूम तू बना रहा हूँ मैं। कहाँ को जा रहा बनेगी भाई धूम भाई, किधर को जा रहा है? ओए घर चलना ठीक है, हाँ घर ही चलेंगे, घर ही चलेंगे, तुम चिंता ना करो, चल चल आराम से, आराम से यार आराम से ही तो चल रहा हूँ, कितनी 200-150 की स्पीड पे, घबराते बहुत हो तुम लोग। यार दोस्तों मुझे जिमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझे इस बंदे के ऊपर। ओ जिमी घर चलना ठीक है, चल रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तेरी तोड़ दिया इसने, अबे वो क्यों तोड़ दिया तूने भाई? हम सीएम का लौंडा होगा, कुछ दिखना तो चाहिए इनको। अच्छा जी एयरपोर्ट पे सीएम का लौंडा आया था, घर घर चल ले, घर ठीक है, ठीक है घर ही चल रहा हूँ। ये फ्लाईओवर पे कहाँ चढ़ा रहा है गाड़ी? चलो कोई बात नहीं, घर ही चल रहा होगा वैसे भी भाई, आराम से। उत्तरी कैसे कट मार रहा तू जिमी? आते रहना तुम, अब देखो तुम उत्तरी आने क्या जरूरत है भाई साहब, मत भाग इतना। कहाँ जा रहा तू भाई? घुमा के लेके आ रहा हूँ यार। जिमी इधर उधर मत जा मेरे भाई, घर चल ले चल। हाँ तो कोई बात नहीं, घर ही चल रहे बस। हाँ
तेरी एक तो दोस्तों बाइक नहीं भाग रही, ऊपर से जिमी ने इतनी तेज चला रखी ना, दो बार गिरा दी ने नताशा जी को। बस तेरे अंदर दम नहीं है नताशा जी, देखो ये दोबारा बिठाते नताशा को, ऐसे भागता है ना भाई साहब दिखता भी नहीं। अबे आराम से चला ले ओ कुत्ते जिमी, 200 प्लस भगा रखी इसने गाड़ी, 200 प्लस जिमी। ओ जिमी हो गया, तुम बहुत परेशान हो रहे हो। अबे घर जाना है, घर कौन से हाईवे पे कहां लिया आया? हां कोई बात नहीं, मैं घुमा के लेके आया। अबे ओए मैं यार जिमी बाद पहुंचो, मैं आ गया मैं। मैं भाई जिमी मैं तुम्हें घर पे ही मिलूंगा ठीक है? अबे भाई घर पे तो मिलेगा, मैं घर चलना है भाई, काम है। और एक सड़ी सी बाइक पकड़ा दी मैं रातों में, बहुत महंगी है, तुमने कभी चलाई नहीं होगी। अबे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, चल यार कोई बात नहीं, घर ही तो जा रहे हैं, घर भाई इधर है क्या मेरा घर भाई? यार तू उतार रहा दाशा जी को, मैं टैक्सी से ले जाऊंगा, अपने कबाड़ों को लेके चल। अच्छा कबाड़ है? हाँ सही कह रहे हो भाई जी, कितना मजा आ रहा है नताशा जी को। अब नताशा उतर जा। मैं भाई यार नताशा को लेके जिमी कहाँ जा रहा है? हाँ तो भाई पूरी शहर की घुमाऊंगा इनको। भाई जिमी मैं यार नताशा तुम भी यार बैठी हो इसके पीछे चिपकी हुई, क्यों नहीं उतर जाऊं? अबे भाई कहाँ लिया है यार जिमी तू, यार पागल हो गया क्या दिमाग से? कुछ नहीं यार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो अंकल जी, पता नहीं डर रहे घबराते ही बहुत। ओ नताशा तेरे ऊपर इतनी चढ़ के क्यों बैठ रही? हाँ तो क्या हो गया, तेज भाग रही है बाइक तो चढ़ेगी वो मेरे ऊपर। अच्छा अरे अंकल जी तुम्हारे अंदर जलन सी लग रही है, मेरे को जलन सी फील हो रही है। ये देख क्या कर रहे हो तुम? उतरी चलो ठीक है, तुम पड़े रहो। अबे यार ये जिमी मेरी नताशा जी को लेकर दोस्तों भाग ना जाए यार, एक सड़ी सी बाइक दे दी मैं रातों में, मुझे नहीं नताशा के लिए भाई भगानी पड़ेगी से यार। दोस्तों पता नहीं भाई कहाँ चला गया क्या यार, एक तो यहाँ पता नहीं भाई क्या करने के लिए आया है जिमी ये, अभी तो दिख भी नहीं रहा मुझे रोड पर कहाँ को है, और मैंने पूरी खींच रखी है बाइक, ये बाइक की स्पीड भी इसकी तो इतनी नहीं है, दिख तो रहे हैं थोड़ा सा रोड पर, थोड़ा सा दिख रहे हैं, 200 कुछ पे बाइक जा रही है और मैंने पूरी खोल रखी है, वो जा रहा। ओ जिमी बस बैठे अबे यार मैं गिर गया था, अच्छा रोक ले बस मेरे बाप, रोक ले यार बस, यार घर पे जाना है यार जिमी, रोटी भी नहीं खाई, नताशा खाना बना देगी जाके। अच्छा ये अभी तो इनको है ना होटल पे खाना खिलाऊंगा मैं, आज मेरी तरफ से खाना खिलाऊंगा मैं। भाई आराम से ही चला ले, बाकी तू गाड़ी आ रही हो हायाबुसा सी अपनी, आज ही तो इनको खाना बनवाएगा। हाँ और ये तो बात गलत है भाई। अच्छा आज तो ये बेचारी थकी आ रही है, आज ही तो इनको खाना बनवाएगा। क्या कर रहे हो भाई कहाँ? ठीक है सही है तुम्हारे लिए। ओ भाई साहब कितनी देर में दोस्तों बाइक ऊपर से नीचे आके गिरी है, और जिमी तो भाई मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर ही हाथ पे रखो चक्कर हो गया भाई साहब, 2 या 3 बार दोस्तों आज मैं गिरा हूँ, बाकी मैं बता नहीं सकता यार मेरा कितना बेकार एक्सपीरियंस दोस्तों इस चीज़ को लेकर यार यहाँ पर रहा। लगता है जिमी का फार्म हाउस भी है यहाँ पर, वो यहाँ लाया इन्हें घुमाने भाई साहब। जिमी यहाँ अंदर क्या कर रहे थे तुम? यहाँ क्या कर रहा? ओ जिमी यहाँ क्या करने आया? उत्तरी
अबे कहाँ जा रहा, रुक तो जा, रुक तो जा यार दोस्तों। जिमी का बच्चा बहुत तेज हो रहा है दोस्तों। भाई यार आज तो दोस्तों नताशा जी आई हैं और ये ऐसे कर रहा है मेरे साथ। देखो अभी पता नहीं यार कहाँ लेकर भाग गया यार, मुझे इन्हें दोस्तों ढूंढना पड़ेगा यार। बाकी यार आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर से लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।